शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये सब कैसे और किसने जलाया इसे? क्या है? सिर्फ इतने दिन से यही कहना चाहते थे, आज सबूत हाथ लगाए, अब हम तुम्हें क्यारा का असली चेहरा दिखाएंगे। क्यारा ये सब क्यों जलाएंगे? ये तो सिर्फ उसने पेपर्स जलाए, वो तो तुम्हारी चिता जलाने वाली थी सिर्फ। तुम्हें जान से मारने के लिए क्यारा ने तुम पे अटैक किया था। तुम होश में नहीं थे, तुम्हारा ऑक्सीजन मास्क निकाल के गई थी। हम सो रहे थे, हमें एकदम से नींद खुली, हमने देखा तुम मास्क नहीं लगाए हुए थे। सबूत यकीन में बदल गया जब हमने ये सब कुछ देखा और फिर ये रिकॉर्डिंग। क्यारा ये सब क्यों करेंगे? क्यारा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी केयर करती है। हमें तो ये लगा था कि क्यारा तुमसे प्यार करती है और तुम क्यारा से प्यार। प्यार? और मेरे दिल में वो भी क्यारा के लिए। हाँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं और क्यारा अच्छे दोस्त है, इतने सालों से बिजनेस पार्टनर, इसलिए ऐसे मिलते जुलते हैं, और तुमने इसका ये मतलब निकाला है? यकीन नहीं होता। यकीन तो हमें भी नहीं हुआ था सेठ, जब हमने तुम्हें और क्यारा को होटल में किस करते हुए देखा था। क्या? किस? तुम कुछ भी बोले जा रही हो। तुम खुद को देखो, कमाल है आशी, खुद तो सिंगानिया के साथ। और मेरा नाम क्यारा के साथ जोड़ रही। तुमने होटल में क्यारा को किसने किया था? देखो सिर्फ प्लीज सच सच बताना, हमारे लिए सच का जानना बहुत जरूरी है। प्लीज हमें सच बता दो, तुमने होटल में क्यारा को किसने किया था? मैं तुम्हें सच बताऊंगा तो तुम विश्वास करोगी? तुम विश्वास करती हो मेरा? सिद्ध प्लीज अभी आर्ग्यू मत करो, अभी हमें बस इतना बताओ, क्या तुमने उस क्यारा ने होटल में किस किया? मैंने क्यारा को कोई किस नहीं किया। और मुझे तुमसे कोई आर्गुमेंट नहीं करनी, मैं थक चुका हूं। अगर सिद्ध और क्यारा ने होटल में, मतलब क्यारा हमें धोखा दे रही थी ताकि हम धोखे में गुम हो जाए और वो अपना मकसद पूरा करके निकल जाए, सिर्फ हमारे बीच में गलत फहमियां हो जाए और हम लोग दूर हो जाए।
आशी जी, आप आपको तो चोट लगी थी ना, आप बेड से नीचे क्यों उतरी? आशी, तुम इतनी टेंस्ड क्यों हो? और तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? दिखा, अच्छा। कुछ नहीं आशी जी, वो बस जल गया था। गॉड, क्या रखा पैर दिख रहा है, कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। क्या हुआ आशी बेटा? आशी जी देखिए ना, इसे हमारी बात पे विश्वास ही नहीं करते। आप तो जानती है ना, हम झूठ नहीं बोलते ऐसी, जो सच होता है वही कहते। हम जानबूझकर कभी भी कोई गलत बात नहीं कहते, जो सही होता है वही कहते। हाँ, मैं जानती हूँ। तुम मुझे कहो, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, है ना बेटा? देखिए मासी जी, कियारा ने ये सब, लेकिन कियारा ऐसा कैसे कर सकती? उसने ये सब कब किया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने ये सब तब किया जब आप सीढ़ियों से गिर गए थे, हमारे पीछे से हमारे कमरे में गए और सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए। वही जले हुए डॉक्यूमेंट्स बचाने में हमारे हाथों में लग गए। और ये तो छोड़िए, उसने सिट पे भी हमला किया, सिट को मारने की कोशिश की, पता नहीं क्या क्या। हमें तो समझ में नहीं आ रहा ये सब कर क्यों रही है वो। Oh God, कियारा को होश आ रहा है। अगर आशी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि कियारा ऐसा कुछ कर सकती है। आशी जी, आप तो सिद्ध के साथ हमेशा से बिजनेस करती है ना, आपको ऐसा कुछ पता है क्या कि सिद्ध और कियारा का कभी भी किसी चीज को लेकर झगड़ा हुआ हो, किसी चीज को लेकर बहस हुई हो जिसकी वजह से कियारा के दिल में सिद्ध के लिए नफरत हो, और शायद वो नफरत की वजह से सब? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन ये सब सोच के मेरा दिमाग ठप हो गया है। आशी जी, हमें सिद्ध की बहुत फिक्र हो रही है। एक तो उसको हमारी बात पे विश्वास नहीं है, और बस उसकी जान को खतरा। ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सिद्ध को वो वीडियो भी दिखा दिया, फिर भी वो नहीं मान रहा है, कैसे यकीन दिलाए उसको? आशी, अगर तुम पीछे पलटी तो मेरे लिए दुर्घटना घटी। आज पीछे मत देखना आशी। आशी, तुम टेंशन मत लेना। अगर सच में कियारा ने ऐसा कुछ किया है तो मैं पर्सनल लेवल पर वहाँ उसकी छानबीन करूंगी और उसे सजा दिलाऊंगी। सिर्फ छानबीन नहीं मासी जी, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा।